साथियों, नए भारत के निर्माण के लिए पूरे देश का संतुलित विकास आवश्यक है। हमने सुनिश्चित किया है कि सरकार भले ही एक जगह से काम करती हो, लेकिन उसके कार्यों का लाभ देश के कोने कोने तक पहुंचना चाहिए। हमने समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति पर ही, सिर्फ वही नहीं बल्कि देश के आखिरी छोर में बसे व्यक्ति पर भी फोकस किया है। इसी का नतीजा है कि किसी योजना या कार्यक्रम के लॉन्चिंग से लेकर उसके क्रियान्वयन तक गवर्नेंस के हर पहलू को देश भर के सभी इलाकों में ले जाया गया है। एक तरफ हम गरीबों के लिए घर, शौचालय, रसोई गैस, पीने का पानी, बिजली, मोबाइल, इंटरनेट, सड़क, रेल कनेक्टिविटी जैसी बहुत ही मूल जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मेगा और आधुनिक प्रोजेक्ट पर भी तेजी से काम कर रहे हैं। सिर्फ अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ही बात करें तो केंद्र सरकार की योजनाओं की पहुंच यहां बेहद प्रभावकारी रही है। एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक एयर कनेक्टिविटी में सुधार करते हुए देश के बाकी हिस्सों से आइलैंड्स को एयरवेज से भी जोड़ा जा रहा है। पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट का बड़े पैमाने पर विस्तार किया जा रहा है। भविष्य में लोग सी प्लेन्स के माध्यम से स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और लॉन्ग आइलैंड की यात्रा कर सकेंगे। इस पर भी काम जारी है। लगभग 300 किलोमीटर के नेशनल हाईवे पर भी काम शुरू हो गया है और यह रिकॉर्ड एक प्रकार से रिकॉर्ड समय में पूरा हो जाएगा। इससे आइलैंड के कई हिस्सों में न सिर्फ पहुंच आसान होगी बल्कि मेडिकल, सोशल और टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा मिलेगा। इस क्षेत्र के युवाओं के लिए कई हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं। इनमें अंकोल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और लॉ कॉलेज शामिल है। आइलैंड का जीवन आसान बनाने के लिए, वहां खुशहाली लाने के लिए जो भी जरूरी काम है वो तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि भाजपा का एक कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते आपको पहले की स्थिति, आज की स्थिति और आने वाले परिवर्तन का एक तुलनात्मक नजरिया लोगों के बीच रखते जाना चाहिए। पार्टी कार्यकर्ता के रूप में आपकी ये भी जिम्मेदारी है कि सरकार की हर योजना का लाभ हर लाभार्थी तक पहुंचे।